क्या हाल है आप सबका? वेलकम जियानू, खुशामदीद। नायरा की दावत में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी अच्छी रेसिपी लेके आए हैं जो ओरिजिनेट करती है थाईलैंड से। तो जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है थाई फिश केक्स। चले, जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको इस रेसिपी के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर टैप कीजिए। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी के लिए वो है 700 ग्राम मच्छी, 4 तूड़ियाँ लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का, 3 शलॉट्स, 2 लाल मिर्चें, कुछ धनिया, जेस्ट 2 लाइम्स का, जेस्ट 2 लेमन्स का, 2 अंडे, 2 टेबलस्पून तेल, 6 टीस्पून फिश का सॉस, 2 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून नमक। चलिए अभी पहले ये करेंगे कि जो है हमारे शलॉट्स उनको हम काटेंगे। ये प्याज की तरह ही लगते हैं लेकिन इतने ये पंजेंट नहीं है जितना नॉर्मल हमारे जो ब्राउन प्याज होते हैं, ये थोड़े कम होते हैं। थोड़ी स्प्रिंग अनियंस की तरह है। तो अगर आपके पास स्प्रिंग ये पहले प्याज नहीं है तो बेशक स्प्रिंग अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। हम शलॉट्स यूज़ कर रहे हैं तो बस इनको अब हम ये करेंगे कि इनको हम पील करना शुरू करेंगे और सीधा जो हमारी सारी वेजिटेबल्स हैं वो हम उनको हमारे जो है फूड प्रोसेसर में डालते जाएंगे। इसी तरह जो है हमारी जो ये लहसुन है उसको भी हम इसी तरह ही छील रहे हैं, इसका स्किन उतार रहे हैं और साथ में इसको भी हम फूड प्रोसेसर में जो हमारे तमाम वेजिटेबल्स हैं उनको साथ डालेंगे। तो बस इसी तरह ही हम सारे वेजिटेबल्स को छीलते जा रहे हैं। इसको भी इसलिए हम रफली चॉप कर रहे हैं जो हमारी है रेड चिली। अगर आपके पास ये रेड चिली नहीं है घर पर तो अगर ड्राइड चिलीज हैं तो वो आप 4-5 जो हैं वो निकाल के उनको आप ये करें कि डीसीड करके उनमें जो सारे उनके बीज है वो निकाल दें और उसको आप ये करें कि पानी के अंदर उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो सोक हो जाए। उसके बाद आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश रेड चिलीज नहीं है। जब भी हम बस ये करें कि जो हमारा लाइम है इसका हमें जेस्ट की ज़रूरत है तो बस हम ये कर रहे हैं कि इसका जो जेस्ट है उसको ग्रेट कर रहे हैं। बेसिकली जेस्ट होती है कि जो इसकी पील होती है उसको हमें चाहिए। तो बस इसको भी हम इस तरह ही करेंगे और हमारे जो लेमन है उसको भी इस तरह ही हम ग्रेट करेंगे हमारी रेसिपी के लिए। जब भी आप देख सकते हैं कि इस तरह जो हमारे लेमन और लाइम जेस्ट है इस तरह हमने इसको ग्रेट कर चुके हैं। तो बस हम ये करेंगे अब कि जो हमारी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वेजिटेबल जो है हमारे वो हम अंदर डालेंगे हमारे फूड प्रोसेसर के अंदर ताकि एक तरह से वो सारे चॉप हो जाएं और एक दूसरे के साथ मिल जाए अच्छी तरह से। इसी तरह जो हमारे सारे वेजिटेबल्स हैं एंड हमारे जो है ये जेस्ट आप देख सकते हैं अंदर सारी हमने डाल दी है इस तरह। और इसको हम अब ये करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा धनिया भी है जो वॉश करके हमने रखा हुआ है उसको भी अंदर डाल रहे हैं इस तरह। और साथ में ये करेंगे कि जो है हमारा ऑयल वो भी अंदर डाल देंगे। रिव्यूज़ अब इसको हम ये करते हैं कि हमारे जो फूड प्रोसेसर है उसको बंद कर देते हैं और इसको फिर अब हम ऑन करते हैं और चॉप करना शुरू करते हैं इसको। चलिए अब जो हमारे हैं वेजिटेबल सारे चॉप हो चुकी हैं तो बस ये करें कि जो हमारे अंडे हैं उनको बस हम इसमें क्रैक कर रहे हैं और इसको हम अब फेंटना शुरू करेंगे और उसके बाद हमारी फिश और बाकी की जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे हमारे चॉप्ड वेजिटेबल्स के अंदर जो हमारे फूड प्रोसेसर के अंदर है उसके अंदर बस हम ऐड करेंगे ये सब कुछ। चलिए वीज अब ये करते हैं कि जो हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड करते हैं अंदर। तो ये जो पहले जो हमारी है मच्छी वो हम अंदर ऐड कर रहे हैं इस तरह। तो बस हमारी जो मच्छी है वो अंदर डाल रहे हैं हम। अब वाइट फिश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कॉड इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ कॉड नहीं मिलती तो आप बेशक पोलक या कोई भी वाइट फिश जो मिलती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाइट फिश इस्तेमाल करें, अगर आपको सैमन ज़्यादा पसंद है तो आप सैमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, टोटली योर चॉइस। तो बस इस तरह हम जो हमारी सारी फिश है वो अंदर इस तरह ही डाल रहे हैं माई फूड प्रोसेसर के अंदर और जो हमारे तमाम बाकी इंग्रीडियंट्स हैं
वो भी हम अंदर इस तरह ही डाल देंगे। तो ये हमारा जो अंडा है अब उसको भी हम अंदर इस तरह डाल रहे हैं, और साथ में जो है हमारा फिश सॉस वो भी अंदर इस तरह जा चुके हैं, नमक और हमारी शक्कर बस इस तरह जा चुकी है अंदर। और अब हम ये करेंगे कि हमारा जो फूड प्रोसेस को बंद करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि एक स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाती। आप देख सकते हैं कि अब ये जो है एक पेस्ट फॉर्म हो चुका है। तो बस हम ये करेंगे कि इसको जो है हमारे फूड प्रोसेसर में से निकाल के एक बॉल में डालेंगे। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ फिर अगली जो स्टेप है वो क्या है। इस तरह बस हमने निकाल दिए हमारी जो है इस पेस्ट को। तो बस ये करना है कि हाथों के साथ इसको इस तरह ही बॉल के अंदर पकड़ के इसको ऐसे ही हमने फेंकते जाना है इस तरह ही। इस ये क्या करेगा कि हमारे जो मिक्सचर को थिक करता जाएगा। तो बस इसी तरह ही हमने हमारे हाथों के साथ ही, आप बेशक ग्लव्स पहन लें अगर आपको हाथ मैसी नहीं करना चाहते तो आप बेशक ग्लव्स पहन के ही कर लें या अपने हाथ यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसको इस तरह ही हमने बोल के अंदर बस टॉस करते जाना है, पकड़ के इसको थ्रू ही इस तरह करते जाना है। ये करेगा कि जो इसके अंदर जो है मिक्सचर इसको एक्सेलरेट करेगा और ये जो हमारा मिक्सचर वो थिक होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी तरह ही इसको करते जाएंगे हम अबाउट 5 to 10 minutes के लिए। चलिए व्यूअर्स, इसको हो चुके हैं अबाउट 5 to 10 minutes। अब ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है। अब आपको जजमेंट करनी पड़ेगी कि आपकी जो मिक्सचर उसको कितना वक्त लगता है, डिपेंड करता है फिश के ऊपर। इसको तकरीबन हमें लगे हैं 7 minutes। तो ये जो हमारा मिक्सचर थिक हो चुका है, अब ये कर रहे हैं हम कि इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे चिल होने के लिए 15 minutes के लिए। तो बस इसको अब कवर करते हैं हम और हम इसको फ्रिज में रखते हैं 15 मिनट के लिए। प्योर्स हमारी जो मिक्सचर है उसको हो चुकी है 15 मिनट फ्रिज के अंदर। तो बस ये करेंगे कि इसको पैटीज का जो शेप है वो देना शुरू करेंगे और फिर फ्राई करना शुरू करेंगे हमारे फ्राइंग पैन में। इसको शैलो फ्राई करेंगे हम। तो बस थोड़ा सा जो तेल है वो डालते हैं अभी हमारे फ्राइंग पैन के अंदर, इसको फिर शेप करके फ्राई करना शुरू करते हैं। फिर भी जिस तरह ही हम इनको नाइस सर्कुलर पैटीज की जो शेप है वो देना शुरू कर रहे हैं और इसके बाद इसको हमारे फ्राइंग पैन में रखेंगे। बिल्कुल टिक्कियों की तरह ये लगना चाहिए। तो इसको बिल्कुल हम ऐसे ही टिक्कियों की तरह इनको कर रहे हैं शेप में और फिर इसको फ्राइंग पैन में डाल के फ्राई करना शुरू करेंगे। फिर ये हमारी जो टिक्कियाँ अंदर डालते जा रहे हैं इस तरह और बस वेट करें कि एक साइड से ये ज़रा गोल्डन ब्राउन होती है, उसके बाद इनको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद मैं प्लेट करूंगी और आपको बताऊंगी कि इनका टेस्ट किस तरह का है। चर्बियस, ये हमारे थाई फिश केक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने खस्ता खस्ता लग रहे हैं। तो बस इसको अभी मैं ट्राई करती हूँ आपके सामने और बताती हूँ इनका टेस्ट किस तरह का है। चलिए इसको मैं अब ट्राई करती हूँ आपके सामने और बताती हूँ इसका टेस्ट किस तरह का है। आप देख सकते कितने खूबसूरत तरीके से ये अंदर से कुक होया हुआ है, इतनी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है और अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं अंदर से। तो बस इसको मैं ट्राई करती हूँ आपके सामने। कोई मज़ेदार है और इतना ये फ्लेवरसम है और इसके इतने अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, अदरक का, लेमन एंड लाइम का, सारे इतने मज़े के फ्लेवर्स आ रहे हैं ना। चलिए व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। नाइल की दावत में आप सब वेलकम हो।